स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से अभी लास्ट टाइम आपने लिया था डिजाइन, यहाँ पे क्लिक किया था और फिर कंक्रीट डिजाइन पे गए थे आप, राइट। इस बार हमें कहाँ से जाना है, हमें करना है यहाँ कंक्रीट डिजाइन के ऊपर, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप मोड में जा करके फिर आपके पास आता है इंटरेक्टिव डिजाइन और उसमें आप क्या चूज करोगे, कंक्रीट डिजाइन। रिकॉर्डिंग देना तो आशीष नमागा ना आतिश, सर हाँ ठीक है, मैं आतिश बोल रहा था, ठीक है। तो आप कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक कर दो, तो कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो खुल के आएगी आपके सामने। देखो ये आपका स्टेट प्रो का अलग विंडो है और ये आपका आरसीसी का एक अलग विंडो खुल के आया, ठीक है। अब इसमें देखो एक ये आपके अलग ऑप्शन आ रहे हैं सारे के सारे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, एनवेलप क्या है, एनवेलप, एनवेलप। अब ये एनवेलप क्या है, अब देखो इसमें आपके कितने फ्लोर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोर है आपके, छठी आपकी रूफ है, 5 फ्लोर है ना, बोलो तो सही यार। अब देखो हाँ, अगर इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये नीचे वाले बीम अलग डिजाइन करने हैं, उससे फर्स्ट फ्लोर वाले अलग डिजाइन करने हैं, थर्ड फ्लोर वाले अलग डिजाइन करने हैं, तो आपके पास में आपने लोडिंग भी तो इनकी अलग अलग लगाई होगी, है कि नहीं। तो हर एक फ्लोर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनवेलप एक अलग बनाना पड़ेगा। अब उस एनवेलप से क्या फायदा होगा आपको हम बताते हैं फिर, कि जैसे कि अगर आपको इसमें नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर को ही डिजाइन करना है सपोज, तो ओनली सिर्फ आप उस फर्स्ट फ्लोर वाले लोड को ही कंसीडर करेंगे, यस और नो, यस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एनवेलप्स। अभी देखो हमने यहाँ पे कितने लिए उस हिसाब से फिर हम बनाते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इसको न्यू एनवेलप पे क्रिएट करते हैं, कर दिया। और यहाँ पे हमने दे दिया क्या नाम, E1, और इसको कर दिया ओके। अभी आपको यहाँ पे कितने लोड कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, 2 केसेस, 2। ये 2 कौन से हैं कोई बताएगा, कॉम्बिनेशन है सर, एक डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक, यानी कि विंड लोड भी है इसमें, सब कुछ है, पर लेकिन एक एक्स डायरेक्शन से और एक आपका वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन से। तो आपको यहाँ पे एनवेलप 2 बनाने पड़ेंगे, एक बार एक्स डायरेक्शन के लिए और एक बार जेड डायरेक्शन के लिए, 2 एनवेलप बनेंगे। यानी कि एक ही फ्लोर को आप 2 बार डिजाइन करके देखोगे। एक बार सर फिर बताओगे एनवेलप है क्या चीज ये? इसमें डियर हम लोग लोड का पैकेट बना रहे हैं, लोड्स का पैकेट। ओके। कि जैसे कि हमारे कौन से फ्लोर पे कौन सा लोड एक्टिवेट होने वाला है, मतलब कौन सा एप्लीकेबल होने वाला है। ओके सर। यहाँ पे तो हमने सबके लिए एक जैसा लोड बनाया है। जी सर। इसीलिए हम दोनों के लिए सबके लिए एक ही एनवेलप बनेगा यहाँ पे। ओके। तो आप दोनों को इधर कर लो, ठीक है। लेकिन ये दोनों लोड एक साथ एप्लीकेबल होंगे उस पे। अगर आप चाहते तो आप इसका एक बार कॉम्बिनेशन C1 ले लेते और एक बार C8 दोनों के लिए, ऐसा करें या दोनों को एक ही बार में ले लें? अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार इसको बना दो, ये आपका E1 बन गया और ओके कर दो, ठीक है। और एक बार आप इसका नाम E2 दे दो, अब यानी कि E2 और ओके, और यहाँ से 8 को ले लो और ओके।
तो आपके पास दो एनवेलप बन गए, ठीक है, E1 और E2। अब देखो, अब इसमें आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपका मेंबर्स का, क्या आता है, मेंबर। अब देखो ये आपके चार मेंबर है, पांच है चार इधर साइड से, हाँ अच्छा, चार इधर साइड से, पांच इधर साइड से, ठीक है। तो ये अब हम मेंबर्स जो करने वाले हैं उससे क्या होगा, जैसे कि ये एक लेवल पे है तो इनको एक नाम दे देगा वो पांचों को। अच्छा, जो ए मतलब जो जिस डायरेक्शन में रहेगा उसका टोटल को एक नाम दे देगा। हाँ जी, इससे क्या होगा आपका, अब जैसे पांच अलग अलग को आप ढूंढोगे तो आप उसमें सिर्फ एक बंदे एक ही को ढूंढ लो, वही आपको सब कुछ बता देगा जी। उससे ये फायदा हो जाएगा आपको। तो आपके पास क्या है कि सबसे पहले इसको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरे को क्यों सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई, सबको करना पड़ेगा, एक एक को थोड़ा ना करोगे आप। ओके, और यहाँ से जाओ मेंबर्स में ऊपर वाले में, और यहाँ से आपके पास होता है ऑटो फॉर्म मेंबर्स, और क्लिक कर दो। तो अब देखो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली M6 आ रहा है, पांचों पे लिखा हुआ। हाँ जी। और इस तरफ देखो M66 आ रहा है, चारों पे लिखा हुआ। हाँ जी। तो ऐसे ही अगर आप नीचे भी देखोगे तो सब पे एक लाइन में जो होंगे सब पे एक एक नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मेंबर्स फॉर्म हो गए। यहाँ तक आया समझ। अब आता है आपका मेन चीज, आती है ये ग्रुप एंड ब्रीफ्स। क्या है ग्रुप एंड ब्रीफ्स? अब यहाँ पे आपके पास में दो विंडो आ रही है राइट साइड में, नीचे वाली आ रही है आपकी डिजाइन ब्रीफ की और ऊपर आ रही है डिजाइन ग्रुप की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, ब्रीफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रीफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपके थोड़ी देर पहले मैं ये बोल रहा था कि हम अगर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर को अलग तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं, है ना, और उससे ऊपर वाले को आप अलग से करना चाहते हो, तो यहाँ पे उनकी कंडीशंस आप अलग अलग लगाओगे। मान लो कि जैसे कि आपने जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर लोड हैवी आ रहा है और आपने उसकी प्रॉपर्टी वहां पे अलग लगाई है। अभी जो हमने लिया है वो 230x230 का लिया पूरा, राइट। आपने इस फ्लोर को 300x400 ले लिया आपने सपोज, ठीक है। बोलो भाई, आवाज आ रही है ना? जी बोलिए। तो आप क्या करोगे, इसको एक अलग प्रॉपर्टी दोगे कि नहीं होगे कि भाई हमें इसमें बार्स भी हैवी डालनी है? तो इसके लिए से पर्टिकुलर इस फ्लोर के लिए एक अलग आपका ब्रीफ बन जाएगा कुछ। अब आपको नीचे वाले कॉलम्स के लिए अगर अलग से डिजाइनिंग करनी है, मान लो कि आपने नॉर्मली सारे 300x300 के लिए, लेकिन नीचे वाले आपने 400 या 450 के ले लिए, तो उनके लिए भी तो एक डिजाइन ग्रुप अलग से बन जाएगा। तो ये तब के लिए है जब आपकी डिफरेंट क्या होंगी, डिजाइनिंग है आपकी एक ही बिल्डिंग में, आ रही है बात समझ में कि नहीं? जी सर। तो अब यहाँ से आपके पास, तो यहाँ तो हमें क्या बनाना है, एक बनेगा आपका बीम के लिए और एक बनेगा कॉलम के लिए, लेकिन वो बनेंगे कितने, चार, क्योंकि एक बार आपका लगेगा एक्स डायरेक्शन वाला और दूसरा एक बार लगेगा आपका जेड डायरेक्शन वाला। तो आप यहाँ से न्यू ब्रीफ पे क्लिक करो, तो सबसे पहले आप किसके लिए बना रहे हो, बीम के लिए, तो बीम दे दो और बीम एक्स नाम दे दो यहाँ, ताकि हमें ये पता रहे कि ये वाला जो ब्रीफ है वो किसके लिए है, एक्स डायरेक्शन के लिए। और डिजाइन कोड आप ले लो यहाँ से IS456 और ये आपका आ गया बीम।
यहाँ पे देखो आपके दो ही ऑप्शन है, बीम और कॉलम, क्योंकि आपका इसमें बीम और कॉलम ही डिजाइन हो सकता है यहाँ से IS-456 के अकॉर्डिंग, और ओके कर दो। अब देखो इसमें आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि भाई ये जो आपने बीम एक्स बनाया है इसके लिए आप क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे। प्रॉपर्टीज में देखो क्या आता है, सबसे पहले मिनिमम कवर, कि आपको उसके लिए कवर कितना लेना है, फिर आपका ग्रेड क्या होगा, ठीक है, और फिर देखो ये आ रहा है आपका नीचे एनवेलप, इसमें आपके दो वन आ रहे, दो आ रहे होंगे क्योंकि आपने वहां पे कितने एनवेलप बनाए थे, दो। कि आप इसको E1 के अकॉर्डिंगली करना चाहते हो या E2 के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हो। E1 के अभी तो E1 कर देते हैं। फिर आता है आपका मेन रेइनफोर्समेंट, कि आपका टॉप बार क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, ये है आपका बॉटम बार क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हो, ठीक है, और उनके बीच में मिनिमम गैपिंग कितनी रखना चाहते हो आप, ठीक है जी। अब आता है शेयर का ऑप्शन इसमें, अब शेयर बार आपको कितनी रखनी है इसमें, 8 mm की, ठीक है, तो सारी चीजें आपने इसमें डिफाइन कर दी और ओके कर दो, आ गया जी। अब एक और बनाओ यहाँ पे, ये आपका होगा क्या, क्या डायरेक्ट कॉलम ले लेते हैं एक्स के लिए पहले, ओके सर, तो कॉलम एक्स डाल देते हैं नाम इसमें यहाँ पे, और इसको कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज आपकी आ रही है कि आपको ग्रेड क्या लेना है और लिंक का एफ ई क्या लेना है। अब ये आ गया मिनिमम बार साइज आपको कितना लेना है और मैक्सिमम बार साइज कितना लेना है, ठीक है। अब इसमें लोड मेंबर लोड केस पे जाना होगा आपको, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे वो दिखा रहा होगा लोड्स, तो हम यहाँ पे ये वाला लोड कंसीडर कर ले अभी तो, और ओके कर दे। अब इसमें एक और बनाते हैं बीम के लिए, और ये कौन सा होगा आपका जेड, और यहां से चूज कर लिया आपने बीम, ओके 25, यहां से E2 चेंज करना पड़ेगा एक्स के लिए कर रहे हैं तो, बाकी तो चीजें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ओके कर देते हैं यहाँ तक तो। सिमिलरली हम यहाँ कॉलम के लिए भी बना लेते हैं, ओके, और चूज करना पड़ेगा ओके। अब यहाँ पे 25, 415 और ये 16, 8, और यहाँ से कौन सा कोड लोड लेना पड़ेगा हमें, C8, और तो डियर देखो हमने क्या किया, ये एनवेलप्स बना लिए, ठीक है, ब्रीफ्स भी बन गए आपके। ब्रीफ में आपने क्या किया है कि उसमें आपने लोड भी चूज कर लिया है ना,
और आपने उसमें प्रॉपर्टी भी चूज कर ली है कि हमें कितना मिनिमम लेना है, कितना मैक्सिमम लेना है, क्या ग्रेड लेना है, क्या हमें स्ट्रेंथ लेनी है, राइट। अब आपका क्या काम बचता है पता है, कि कौन से मेंबर आपके बीम एक्स के अकॉर्डिंग डिजाइन होने हैं और कौन से मेंबर आपके कॉलम के अकॉर्डिंग डिजाइन होने हैं। यस, अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले आप क्लिक कर सिलेक्ट कर लो किसको, बीम्स को, तो इसमें सारे बीम आपके इस तरह से ही सिलेक्ट होंगे और कोई तरीका नहीं है, कंट्रोल दबा करके इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो सारे बीम्स को। अब आपको करना क्या, डिजाइन ग्रुप पे क्लिक, डिजाइन ग्रुप में आप दे दो यहाँ पे बीम एक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे बीम आपके कौन से ब्रीफ के अकॉर्डिंग डिजाइन होंगे, बीम एक्स ब्रीफ। अब इसमें आपने लोडिंग भी लगाया हुआ है और आपने बार क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, सारी चीजें इसके अंदर है इंफॉर्मेशन, तो ये इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होंगे जो आपने सिलेक्ट किए और ओके कर। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जीवन आ गया आपका ग्रुप वन, जीवन मतलब ग्रुप वन, और यहाँ पे उसमें सारे मेंबर्स आ गए जो जो आपने उसके अंदर कंसीडर किए हैं। अगर ये आपकी यहाँ पे शो नहीं कराता है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। अब एक और लेते हैं इन्हीं का, यहाँ से क्या लेंगे हम बीम जेड, और ओके कर देते हैं यहाँ पे भी। तो सिमिलर देखो दो आ गए आपके, आप क्या चूज करेंगे यहाँ पे, कॉलम, कॉलम सारे ले लो, तो आपके देखिए कॉलम सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहां से फिर से इस पे क्लिक करो, यहाँ पे ग्रुप थ्री को क्या नाम दोगे, कॉलम एक्स, और ब्रीफ आपका कौन सा लगेगा इस पे, कॉलम एक्स वाला, कॉलम एक्स, और ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो कॉलम के सारे मेंबर्स आ गए, फिर से सेलेक्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे। अब यहां से एक और बार लो और यहां से नाम दे दो इसको कॉलम जेड, इसको ग्रुप फोर ही रहने देते हैं और ओके। अब यहां तक आया आपको समझ हमने क्या क्या किया है। Yes, अब आपका नंबर करना है आपको कंक्रीट मेंबर पे क्लिक, इस पे अब ये आपके चार ग्रुप पर आए हैं। आपने बी मैक्स में देखोगे तो आपके देखो सारे मेंबर्स फेल दिखा रहे हैं अभी, है ना। बीम बाई में भी देखोगे जेड में वो भी आपके फेल है, कॉलम एक्स देखोगे तो उसके लिए कोई रिजल्ट नहीं है यहाँ पे, और कॉलम जेड देखोगे तब भी कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी एक ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा डिजाइन में, कहाँ पे, और डिजाइन पे क्लिक कर दो और डिजाइन नाउ कर दो। तो देखो आप यहाँ से देखोगे तो ये ग्रीन कलर से हो गया, पहले ब्लैक कलर से दिखा रहा था आपको, और यहाँ पे आप सारे के सारे आपके ओके ओके ओके, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे सारे ओके हैं। देखो अब M1 आपका जो था, देखो पूरा मेंबर सिलेक्ट हो गया M1 पे नीचे वाला पूरा, और इसमें कितने मेंबर थे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और सबको दिखा रहा है कि आपको हॉग में और सैगिंग में, हॉगिंग और सैगिंग में और शेयर में आपका सब कुछ ओके है, राइट। अब इसका मेन लेआउट देखो आप, ये आपका आ रहा है मेन लेआउट, तो ये देखो आपको मेन लेआउट दिखा रहा है कि भाई आपकी ये आपकी कितनी सरिया है, 16 की सरिया है,
और ये आपके कितने की है? 12 की है। ये आपका यहाँ से क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है एट 1.5 पे, ठीक है। और ये आपका देखो इसमें लेयर दिखा रहा है, लेयर वन है आपकी, जिसमें टॉप में, जिसमें देखो आपको 16 का दिखा रहा है और इतने डिस्टेंस से और यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ये सबके लिए है आपका, इसमें जितने भी मेंबर है 1 2 3, ठीक है। अब ये आपका बॉटम पे क्लिक करोगे तो ये आपको बॉटम का दिखाएगा, राइट। लेयर टू इसमें है नहीं, उनका रिजल्ट आपको दिखाएगा नहीं। अब मेन रेइंफोर्समेंट अगर आप इसमें चेक करें तो देखो ये आपको रेइंफोर्समेंट दिखा रहा है सबका, कि आपका देखो ये आपका 12 के दिखा रहा है और ये आपको 16 के दिखा रहा है टॉप में और ये आपका बॉटम में। ये उसका एरिया दिखाएगा आपका उस बार का, ठीक है। अगर शेयर लेआउट देखना चाहते हो तो देखो ये शेयर लेआउट आ गया आपका, इसमें कितने की हुई है, 8 बार की, 8 डाया की यूज की है और 75 mm डिस्टेंस पे दिखाया शो करता है, ठीक है। शेयर रेइंफोर्समेंट की अगर आप बात करें तो देखो ये आपका शेयर रेइंफोर्समेंट का टेबल खुल के आ गया। तो पर्टिकुलरली देखो आपका ये मेंबर सिलेक्टेड है तो इसी की दिखा रहा है आपको। अब आपने ग्रुप वन का देख लिया, अब ऐसे ही एक्स जेड वाले का देखो, जेड वाले में फिर से आप यहाँ क्लिक करोगे कंक्रीट डिजाइन पे, अब देखो फेल दिखा रहा है आपको, तो फिर से आपको डिजाइन पे जाकर के डिजाइन नाउ करना पड़ेगा। तो ये भी आपका ओके हो गया। ऐसे ही एक कॉलम को डिजाइन करो, कॉलम को सिलेक्ट करके कंक्रीट डिजाइन कर दो, देखो कॉलम की रिजल्ट आ गया आपके ओके ओके सारे। यहाँ से फिर इसका मेन लेआउट देखो कॉलम का, इस तरह से दिखाएगा आपको कि 4 बार है। देखो शेयर लेआउट देखोगे तो देखो आपको ये शेयर दिखा रहा है पूरा। शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल भी आपका DXF फॉर्मेट में ही आपको आउटपुट दे देगा, एक्सपोर्ट टू DXF, ठीक है। तो इसको आप ऑटोकैड में खोल सकते हो फिर आपका। तो ये आपका रहता है मेनली क्या, RCC डिजाइन, जिसमें आपको फेल पास का सब कुछ बना करके दे देता है। अगर आप इसको क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं, जैसे कि मान लो आपको वहां पे एडिट करना है, वापस से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डैश लेयर में ग्रुप एंड ग्रिप्स में जाओ, यहाँ से आपने जो एनवेलप बनाया था पहले है ना, मैं यहाँ पे एक और एनवेलप बना देता हूँ जिसमें दोनों को ले लेता हूँ, जिसमें हम दोनों लोडों को कंसीडर कर लेते हैं E3 में, ओके करते हैं और दोनों को कंसीडर कर लिया और ओके कर दिया। अब जाओ ग्रुप एंड ग्रुप्स पे, तो यहाँ पे एक और ले लो जिसका नाम आप दे दो, यहाँ पे क्या बीम दे देते हैं सिंपल, और बीम सेलेक्ट कर लो ओके। तो यहाँ से चूज करना पड़ेगा आपको E3। अब इसमें हमने दोनों कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है ओके। और एक और ऐसे ग्रुप के लिए बना, कॉलम के लिए बना लेते हैं, कॉलम ले लो ओके कर दो, 25, 12 और 16 यहाँ से मेंबर लोड के, और इन दोनों को सेट करके इस सेट कर लो और अब ठीक है। अब इसी में चेंज कर दूं एक में,
अलग से बनाने की क्या जरूरत है? चलो नए ले लेते हैं, सिलेक्ट एडिट तो ऑप्शन हो देना। एक ये बन गया आपका, इसमें यहाँ क्लिक करो और यहाँ से आप कौन सा ले लो, ये बीम वाला ले लो 5, और एक बार में कॉलम ले लो यहाँ से। अब इसमें लोड डबल हो जाएगा, और इसको सेट कर लो आपका कॉलम और ओके। यहाँ जाओ कॉलम, ये आपका ग्रुप 5 था ना, 5 को सेट कर लो और डिजाइन में जाके डिजाइन नाउ। तो देखिए ये भी आपका क्या है, ओके 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 पूरा। इसका मतलब क्या है कि हम जो इसमें रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं वो इतना हेवी डाल रहे हैं कि वो काफी आपका सेफ लेके चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे फिर से जाओ ब्रिज में ही जाओ और इसमें एडिट कर दो। यहां से आप मेन फोर्समेंट 12 और 16 की जगह क्या करो 10 और 12 करके देखो, 10 और 12 किया और ओके कर दिया, कंक्रीट पे क्लिक किया, वही है देखो फिर से हमने चेंज किया तो फिर से रिजल्ट हट गया इसके। और डिजाइन नाउ पे करो तो देखो 10 और 12 लेने पे हमारे ये मेंबर्स आपके फेल हो रहे हैं, और बीच में देखो ये ब्लैक कलर से दिखा रहा है आपको, इसका मतलब जो ब्लैक है वो फेल हो रहे हैं आपका, यहाँ पे दिखा रहा है और नाम भी दिखा रहा है, मेंबर 8 फेल है, 9 फेल है, 14, 15, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 44 और 46, ये मेंबर्स आपके फेल है। और यहाँ पे भी आपको देखो फेल दिखाएगा, देखो आ रहे हैं फेल आपके, आगे बात समझ में। अब आपको किस तरह से हमें इसे डिजाइन करना होगा या किसी को कोई डाउट है इसमें?